अभी इंटरव्यू में आप देखे थे कि वो बहुत बहकी बहकी बात कर रही थी। मेरे सपने में सुशांत आया था, बोले थे स्पीक थ्रू, कुछ भी बोले जा रही है। मतलब ड्रग्स उन्होंने, मतलब ये कैसा प्यार है, मतलब वो मतलब अपने ही लवर को अपने ऐसे मतलब इंतजाम लगाया तो कैसे होगा। अभी पकड़ा गई ना, अभी ड्रग्स के मामले में पकड़ा गई। खाली भैया ये सब लेते नहीं थे, ये गांजा ड्रग्स CBD ऑयल कुछ नहीं लेते थे, भले अल्कोहल भी ये नहीं पीते थे। जब मैं था तो ये सब कुछ नहीं करते थे। वो एक मतलब अपने एक रूटीन पे चल रहे थे, जैसे अक्षय कुमार जो रूटीन करते थे वो खुद ऐसे चलते थे। तो भैया ऐसे चीज पे विश्वास नहीं रखते हैं। जब उनको आगे बढ़ना तो ये सब उनको मालूम था, ये सब लेने से मुझे हानि पहुंचेगी, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, तो फिर ये लेंगे क्यों, ये ले ही नहीं सकते हैं। तो ये रिया चक्रवर्ती क्यों है, कौन है? अभी तो आई है एक साल में, तो एक साल में सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे साथ सबका चिट्ठा खुलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा सब कोई। नासिर हुसैन, अब तो चैट भी सामने है। अब्दुल्ला, माफ करिए, नासिर अब्दुल्ला। जी, अब तो चैट भी सामने आ गया है। नासिर अब्दुल्ला, कंगना रनौत को धमकी भी मिल रही है। बिल्कुल, जो लोग ड्रग्स की बात कर रहे हैं, जो लोग ड्रग्स की बात कर रहे हैं, जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की बात कर रहे हैं, उनको रास्ते से हटाने की बात हो रही है। जी हाँ, तो एक चीज तो अब बहुत सारी चीजें और भी खुल रही हैं, जो CBI वाले जो भी है अपना उनको मालूमात हो जाए। बहुत ही अच्छी तरह छन्नी के जरिए हर चीज़ की छानबीन हो रही है। तो अब ये मामला है कि ये जो ड्रग्स का मामला है ये अलग मामला है। मामला ये है कि मालूम ये करना है कि कोई नासिर जी, नासिर अब्दुल्ला जी, वो अलग कैसे? मैं बताता हूँ। नहीं, आपने सवाल किया, जवाब दे रहा हूँ। जवाब दे रहा हूँ, अलग कैसे? नासिर जी मत, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो अलग कैसे है, अलग कैसे? मैं बताता हूँ, ड्रग्स से तुम्हारा सुशांत सिंह राजपूत को आप क्यों बोले जा रहे हैं, तो बोले क्यों जा रहे हैं? तो मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, धीरज रखो। वो अंकित आचार्य कह रहा है कि मेरे सामने तो शराब तक नहीं पीते थे सुशांत सिंह राजपूत, और उनको ड्रगी बताया गया। सुशांत सिंह राजपूत ड्रगर, कुछ और कह रहे हैं। उनके 3 साइकियाट्रिस्ट थे, वो बता रहे हैं कि उनको डिप्रेशन था, उनको ड्रग्स नहीं लेने थे, दवाई के साथ वो अलग से मिक्स कर रहे हैं। बहुत सारी बातें आ रही हैं। ये जो आर्या साहब जो भी बता रहे हैं, ये अगर जो भी बता रहे हैं तो CBI को बताएं। CBI को सब कुछ मालूम हो जाएगा, और ऑलरेडी बहुत कुछ मालूम हो गया है। सुशांत के फैमिली को मालूम था कि सुशांत मेंटली बीमार हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। उन्होंने कोशिश भी की, और उन्होंने फरवरी में उन्होंने अंकित आचार्य को मैसेज भेजा था। खैर ना, चुप करो, मैं नहीं बोलता बीच में, चुप करो इसको। नहीं बस देख, वो भी अपनी बात रख रही है। 15 को ये खत लिखा WhatsApp में भेजा था। सुन तो, किसको चुप बोले हो? बीमारी में उनको, तबियत खराब थी उनको, डिप्रेशन में थे, कुछ नहीं थे, डिप्रेशन में थे। आज उनके मुंह देखे हो, उनको डिप्रेशन में थे, कभी नहीं थे। मैं था उनके साथ, आप थे उनके साथ, मेरे से मैं तो तुम्हें जानता हूँ ना। CBI के पास जाओ, मैं भी आपको नहीं जानता। CBI के पास जाओ ना, तू चिल्ला रहा है, मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूं, मैं तुम्हारे बाप के बराबर। क्यों बकवास कर रहे हो? बाप के बराबर हो, सबको बोल रहे अलग-अलग बात। नहीं, आप ये बताओ, आपको कैसे मालूम कि वो डिप्रेशन में थे? आपको कैसे मालूम वो डिप्रेशन में कैसे थे? मैं था उनके साथ 3 साल, आप मुंह में भी नहीं देखे। आप कहां से आ गए भाई साहब, आप कहां से आ गए भाई साहब? डॉक्टर ने कहा है उनकी फैमिली को मालूम, आप तो सकल भी नहीं, फैमिली को मालूम। सुन लेना, फैमिली को कैसे? सुशांत के ब्रदर इन लॉ ने सुशांत के ब्रदर इन लॉ ने DCP बांद्रा को सुन ले DCP बांद्रा को लिखा था WhatsApp पे कि सुशांत की लाइफ को खतरा है। DCP वालों ने, वो जो पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया, ये भी सच है, तो गलती उनकी है। फिर भी कोई तो प्रॉब्लम था, जो सुशांत की बहन के हस्बैंड ने, जो कि IFS ऑफिसर है फरीदाबाद में, उन्होंने लिखा था, और ये बात स्पष्ट है, ये बात सुशांत के लॉयर ने कही है, ठीक है। तो लेकिन तो फिर ये कुछ प्रॉब्लम था जिसका इनको अंदाजा था, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, फरवरी की बात है। तो फिर आगे क्या हुआ, क्या खतरा था ये हमें नहीं मालूम। मतलब ड्रग्स का खतरा था, गलत लोग आ गए थे उसकी जिंदगी में, रिया के अलावा हो सकता है और भी लोग आए हों। ये सारी बातें सीबीआई से मालूम होगी, चिल्लाने की जरूरत नहीं है।